एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में नाली किनारे पड़े प्लास्टिक बैग को खोलते ही लोगों के होश उड़ गए। थैली के भीतर राख में लिपटी एक नवजात थी। किसी ने जन्म के कुछ देर बाद ही इसे पॉली बैग में भरकर फेंक दिया था। मासूम जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। जावरा निवासी राकेश चावरे ने बताया, मैं घर से स्टेशन रोड की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर सुनसान गली में नाली किनारे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास कोई नहीं दिखा। गली में पड़ी पॉलीथिन में कुछ छटपटा रहा था। पास गया तो उसी में से आवाज आ रही थी। मैंने तत्काल मोहल्ले वालों को बुलाया और बैग खोला। बैग में राख के बीच एक मासूम तड़प रही थी। हमने तत्काल टॉवेल से राख साफ की और अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद इलाज शुरू किया। इससे उसकी जान बच गई। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक मासूम 8 माह के गर्भ से पैदा हुई। उसके साथ प्लासेंटा नाल जुड़ी थी। इससे स्पष्ट है किसी ने जन्म के आधे घंटे के अंदर ही फेंक दिया। उसका वजन 2 किलो है। अभी वह स्वस्थ है, धड़कन सही चल रही है, लेकिन राख व गंदगी में मिली होने से संक्रमण का खतरा है। NRC में केयर कर रहे हैं।